कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइट। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बेबी सनस्क्रीन के ऊपर है। मेरे पास कई दिनों से रिक्वेस्ट आया था कि मैम आप बेस्ट बेबी सनस्क्रीन का वीडियो बनाइए जो बजट फ्रेंडली भी हो और बहुत ही अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे दो बेबी सनस्क्रीन है। और तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको एक लाइक करना है। आपका एक लाइक हमारे लिए 100 लाइक के बराबर होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सेपरेट रिव्यू भी मैंने किया हुआ है अपने चैनल पर और बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से इन दोनों का रिव्यू मैंने किया हुआ है, ऑनेस्ट रिव्यू। तो अगर आप देखना चाहते हैं उन वीडियोस को तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मामा अर्थ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन के बारे में। अर्थ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज SPF 20+ सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री हाइपो एलर्जेनिक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड नेचुरल फ्रेग्रेंस 0 to 10 years। और ये जो बॉटल है ये 100 ml की बॉटल है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये बॉटल है ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है। ग्रीन कलर की यहाँ पे कैप दी हुई है और यहाँ पे कैमल का और सन का बहुत ही अच्छा फिगर दिया हुआ है, तो बच्चे काफी अट्रैक्टेड होते हैं इसके पैकेजिंग में। बात करें तो ये 100 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस है 269 rupees। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें जिंक ऑक्साइड के साथ साथ सिया बटर है, कोका बटर, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल, व्हीट जम ऑयल, कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, फिर इसमें साथ दिया हुआ इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो काफी इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है। फॉर यूज अप्लाई ऑन एक्सपोज्ड स्किन बिफोर टेकिंग द बेबी आउट इन सन और स्विमिंग। प्रोटेक्शन लास्ट फॉर 2 hours। डू नॉट अप्लाई ऑन वाउंड्स। देख सकते हैं कि इसकी जो पैकेजिंग है वो पंप के फॉर्म में दी हुई है, तो आपको जितना प्रोडक्ट चाहिए होता है आप आराम से उसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 pump 1 and 2। और ये जो है काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का ये सनस्क्रीन है, आप देख सकते हैं जस्ट लाइक क्रीम। और इसको अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेग्रेंस है वो ना के बराबर है, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं, जैसे कि मामा अर्थ के दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी फ्रेग्रेंस में ज़्यादा होती है, बट इसमें ऐसा कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसको मैंने इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है अपने स्किन पर। मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से सनस्क्रीन को, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का दिख रहा है। तो ये जिस आप देख सकते हैं दोनों हाथ में मेरे अंतर कि ये किस तरह का दिख रहा है और ये किस तरह का दिख रहा है। तो एक वाइट लेयर जैसे बच्चे के स्किन पर चढ़ जाती है अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो, और अच्छे से अगर हम ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये वाइट स्कार्स को भी छोड़ देता है स्किन पर, तो आप देख सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो है मॉम्स एंड वर्ल्ड मिनरल बेस्ड बेबी सनस्क्रीन लोशन SPF 50 अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, PA++++ नेचुरल मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लॉन्ग लास्टिंग अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, प्रोटेक्शन, वाटर रेजिस्टेंस। तो काफ़ी कुछ इस सनस्क्रीन लोशन में दिया हुआ है। तो अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो इसके ऊपर 2 caps लगी हुई थी, एक बड़ी सी कैप उसके अंदर, एक छोटी सी कैप और एक इस तरह का ये पैकेजिंग है। तो फ्रेंड, जो दोनों कैप लगी हुई थी वो तो कान्हा ने गुम कर दिया है, तो मैं उसे दिखा नहीं सकती आपको। तो फिर यहाँ पे जो कैप लगी हुई थी वो छोटी सी कैप लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये भी पंप के फॉर्म में सनस्क्रीन दी हुई है, तो काफी अच्छी पैकेजिंग लगी। और यहाँ पर जो बच्चों के लिए फिगर दिया हुआ है, डायग्राम्स वगैरह दिए हुए हैं, तो काफी अच्छा। नो एनिमल टेस्टिंग, नेचुरल एंड प्योर ऑयल्स, नो पैराबीन्स, नो मिनरल ऑयल, नो हार्मफुल केमिकल्स, नो सल्फेट। तो ऐसा कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 120 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस है 399 rupees, मतलब 400 की ये बॉटल है। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 2 years की। वर्ल्ड बेबी सनस्क्रीन SPF 50 इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड टू बी नॉन इरिटेंट एंड आइडियल फॉर बेबीज सेंसिटिव स्किन। इट इज अ नॉन ग्रीसी, नॉन एलर्जेनिक एंड कैन बी यूज एनीवेयर ऑन द बॉडी वेयर द सन इज गोइंग टू शाइन। इट इज डिजाइनेटेड स्पेशली फॉर बेबीज। थ्रू इट इज एन एक्सलेंट एंड सेफ चॉइस फॉर ऑल एजेस। आवर एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड आर द सेफेस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो उसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है और जो SPF 50 को प्रोवाइड करते हैं। जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के अलावा इसमें विटामिन B3 और कैस्टर ऑयल और ग्लिसरीन भी प्रेजेंट है। अप्लाई 15 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर, रब इन टू रिड्यूस व्हाइटनिंग इफेक्ट, रीअप्लाई एटलीस्ट एवरी 2 hours और आफ्टर टॉवलिंग ऑफ। तो चलिए अब इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 pump ले रही हूँ, 1 and 2। और इस तरह का आप देख सकते हैं कि ये मामा अर्थ के सनस्क्रीन की तरह नहीं है, ये थोड़ा उससे थीन कंसिस्टेंसी का है, वाइट कलर का है। और इसकी फ्रेग्रेंस
थोड़ी सी फ्रेगनेंस है इसमें, बट नेचुरल फ्रेगनेंस ही है, और अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। तो ये नॉन ग्रीसी फार्मूला है और ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा ये सनस्क्रीन है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं कुछ देर तक से ब्लेंड करती हूँ। यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पर और कोई भी वाइट स्कार्स नहीं छोड़ता है। बिल्कुल भी ड्राइनेस आपको फील नहीं होगी और बिल्कुल नॉन ग्रीसी फार्मूला है और हल्की हल्की साइन आपके स्किन पर आ जाएगी, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो है सनस्क्रीन, ये मामा अर्थ का सनस्क्रीन है और ये जो है ये मॉम्स एंड वर्ल्ड का सनस्क्रीन है। तो आप दोनों हाथों में अंतर देख सकते हैं कि ये जो है ये थोड़ा सा वाइट स्कार्स फेस पर छोड़ देता है अगर आप इसे अप्लाई करते हो। और दोनों ही सनस्क्रीन को अप्लाई करने से पहले आपको बेबी के फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना होगा, या जहां सनस्क्रीन को अप्लाई करना चाहते हैं वहां पे अच्छे से मॉइस्चराइजर या लोशन को अप्लाई कर लेना, उसके बाद ही आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना है बाहर निकलने से 15 मिनट पहले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉम्स एंड वर्ल्ड का सनस्क्रीन है ये बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैंने अपने हाथ पर लगाया हुआ है। बट ये जो मामा अर्थ का सनस्क्रीन है ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का होने की वजह से ये इजी ब्लेंड नहीं हो पा रहा था। मैंने काफी देर तक इसको ब्लेंड किया तब ये ब्लेंड हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट स्कार्स भी डेवलप हो गया है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड का सनस्क्रीन है तो अगर आपकी बेबी की स्किन बहुत ड्राई है तो आप इस सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें काफी ज्यादा सन प्रोटेक्शन फैक्टर दिया हुआ है। तो अगर काफी तेज धूप में आपको बच्चे को लेकर जाना है या स्विमिंग पूल में लेकर जाना है या मार्केट लेकर जाना है, आपको काफी देर तक धूप में बच्चे को रखना है, तो उस समय आप इस सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं बेबी के स्किन पर। और अगर आप बच्चे को पार्क में लेकर जा रहे हैं या छत पर लेकर जा रहे हैं तो आप इस मामा अर्थ के सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो 20+ ही दिया हुआ है, बहुत ही कम है। और इसमें जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो 50 SPF दिया हुआ है, साथ ही इसमें UVA, UVB और PA++++ भी है, तो काफी ज्यादा इसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बेबी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो आप मॉम्स एंड वर्ल्ड के सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं बेबी की स्किन पर, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन है और इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पर, नो ग्रीसीनेस और चिपचिपाहट कुछ भी ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये स्किन पर एकदम एब्जॉर्ब हो गया है, कुछ भी इसमें वाइट स्कार्स कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सनस्क्रीन को मंगवाया था। काफी अच्छा रिजल्ट है इस सनस्क्रीन का। और जो मामा अर्थ का सनस्क्रीन है तो ये आप देख सकते हैं कि एक क्रीम कंसिस्टेंसी का होने की वजह से, थिक कंसिस्टेंसी का होने की वजह से कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और स्किन पर एक लेयर की तरह चढ़ जाता है। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैम, मैं 15 इयर्स की हूँ और क्या मैं इस मॉम्स एंड वर्ल्ड के सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकती हूँ। तो यस, आप इसे अप्लाई कर सकती हैं, ये बड़ों के लिए भी बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये 50 SPF का है, तो ये हम बड़े भी लगा सकते हैं और बच्चे भी लगा सकते हैं। अगर आप बेबी को स्विमिंग पूल पर लेके जाते हो तो उसके लिए भी सही है क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है और आप इसे। सो फ्रेंड, ये था कंपेरिजन वीडियो इन दोनों सनस्क्रीन का। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस मॉम्स एंड वर्ल्ड सनस्क्रीन का बहुत ही अच्छा रहा। तो इन दोनों सनस्क्रीन का डिटेल वीडियो भी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर और मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, बहुत ही क्लियरली इन दोनों के बारे में मैंने बताया है। तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आपको कौन सी सनस्क्रीन पसंद आई आप वो भी मुझे बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको एक लाइक करना है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर आपको क्लिक करना है, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करना है ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।